नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित हनुमान टेकरी के संपूर्ण दर्शन कराएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। गुना जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर यह मंदिर स्थित है, जिसे टेकरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाभारत काल का है। यहाँ धनुधारी करण ने भी तपस्या की थी। बताया जाता है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति 7वीं शताब्दी की है, स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ साधु संतों की तपोभूमि का केंद्र रहा है। यहाँ दक्षिणमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। आइए अब हम आपको इस खास मंदिर की कहानी और मान्यताओं के बारे में बताते हैं। यहाँ एक लाइन में लगातार 3 पहाड़ियाँ हैं, एक हनुमान टेकरी, दूसरी राम टेकरी और तीसरी लक्ष्मण टेकरी। हनुमान टेकरी पर बजरंगबली की स्वभू प्रतिमा है। बताया जाता है कि मड़िया से मंदिर बनाने के लिए जब इस जगह का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तब खुदाई में सोने के सिक्के मिले थे। वह मंदिर के नीचे की तरफ एक पत्थर हटाया गया था, तो बड़ी संख्या में सांप मिले। सांप इतने ज़्यादा थे कि उस जगह को वापस बंद करना पड़ा, वहीं खुदाई बंद करनी पड़ी। और यह भी कहा जाता है कि खुदाई में कुछ साधुओं की समाधि भी यहाँ मिली थी। वहीं ये भी बताया जाता है कि मड़िया की गेट पर एक चमेली की बेल लगी थी। उस बेल पर हमेशा नाग देवता रहते थे। वह हर समय बालाजी सरकार की पहरेदारी किया करते थे। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद भी पीछे के पेड़ पर अक्सर नाग देवता दिखाई देते हैं। आज भी वह हर समय मंदिर की पहरेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्य मंदिर में रात के समय यहाँ पर कोई नहीं रुकता। ऐसी कहावत है कि रात के समय यहाँ मीटिंग होती है। पास की पहाड़ी पर से देवता आते हैं, उनकी बैठक का दौर चलता है। एक कहावत यह कि ये भी है कि रात को राम टेकरी से यहाँ तक बारात आती है। कई प्रकार की रोशनी यहाँ दिखाई देती है। आसपास के ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसी रोशनी देखिए, यही वजह है कि रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। यहाँ के पंडित जी द्वारा बताया गया कि बाबा का पसंदीदा भोग बूंदी और बेसन के लड्डू हैं, इसलिए आरती के तुरंत बाद सबसे पहले बालाजी सरकार को बूंदी और बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसके बाद फल और सूखे मेवे अर्पित किए जाते हैं। हर वर्ष कई कुंटल बूंदी बनाई जाती है, इसी का प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है। आपको बता दें, टेकरी परिसर के पीछे की तरफ जिंद बाबा का सिद्ध स्थल है। यहाँ काफी लोग मन्नत मांगने पहुँचते हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ झूले चढ़ाए जाते हैं। वहीं बाबा पर प्रसाद के रूप में सिगरेट चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि बाबा सिगरेट का ही भोग लगाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि पहले यहाँ केवल एक चबूतरा था, उसी पर बालाजी सरकार की प्रतिमा स्थापित थी। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार हुआ और मड़िया का निर्माण हुआ। वर्षों तक यहाँ मड़िया के रूप में ही रही। पिछले 15 साल पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ।
आज विशाल मंदिर बना दिया गया है। मंदिर परिसर में धर्मशाला, सत्संग भवन सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है। आपको बता दें, इसका करीबन 25 करोड़ में इसका जीर्णोद्धार किया गया है।